Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. In this video, I am gonna share all the important information about form of verbs. इस वीडियो के जरिए आज हम सीखेंगे तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड. तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को समझने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर्म ऑफ वर्ब्स को आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ चंद इजी स्टेप्स, जिनको फॉलो करने के बाद आपके तमाम कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे. तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर वन की तरफ. स्टेप नंबर वन में मैंने तमाम की तमाम टाइप्स में से एक ही एग्जांपल उठा ली है. देखते हैं पहली एग्जांपल, आस्क, 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 यानी के ईडी का इजाफा किया गया है. नंबर टू, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड. अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ डी का इजाफा किया गया है. थर्ड वन, कैरी, कैरीड, कैरीड, यानी के आई ई डी का इजाफा किया गया है. फोर्थ एग्जांपल है पुट, 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 ये तीनों ही सेम है. फिफ्थ है कैच, कॉट, कॉट. दो फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज. सिक्स है ईट, एट, ईटन. इन्हीं छह एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए तमाम की तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स पाई जाती है. जैसे कि आपने देखा कि पहले एग्जांपल में ईडी का इजाफा किया गया है, दूसरी में सिर्फ डी का, इसी में वाई को हटाकर आई ई डी का, चौथी दोनों सेम, पांचवी दो सेम और छठी तीनों ही चेंज. इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं अगले स्टेप में. बात करते हैं स्टेप नंबर टू की. स्टेप नंबर टू में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब्स की टू काइंड्स को, यानी कि रेगुलर और इरेगुलर को. रेगुलर हम किसे कहते हैं और इरेगुलर किसे कहते हैं? रेगुलर हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनके आगे ई डी, डी या फिर आई ई डी लगाते हैं. डी, ई डी और आई ई डी वाले तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं रेगुलर फॉर्म्स, और इरेगुलर फॉर्म बाकी सब फॉर्म्स को कहते हैं, और उनमें सेम फॉर्म ऑफ वर्ब भी शामिल हैं. तो अपने स्टेप नंबर वन की एग्जांपल्स में से ही हम रेगुलर को अलग करते हैं और इरेगुलर को अलग करते हैं. तो पहली एग्जांपल आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड, इसमें हम देखते हैं कि ईडी लगा है. तो हमें तो पता है कि ईडी रेगुलर फॉर्म के आगे आते हैं, हमें पता है कि ये है रेगुलर. नेक्स्ट देखते हैं क्लोज्ड, यानी कि सिर्फ डी का इजाफा हुआ है, तो हम जान गए हैं कि ये भी है रेगुलर. थर्ड वन है आईईडी, इसका एंड भी ईडी पर हुआ है, और जिसका एंड भी ईडी पर होगा वो होगा रेगुलर फॉर्म. नेक्स्ट देखते हैं पुट, पुट एंड पुट. जैसे कि ये तीनों सेम है और इसका एंड ईडी पर नहीं हुआ, तो ये भी हमारी होगी इररेगुलर फॉर्म. नेक्स्ट देखते हैं कॉट एंड कॉट, ये भी दो सेम है और एक चेंज, लेकिन इसके आगे भी क्योंकि ईडी नहीं है तो ये होगी हमारी इररेगुलर फॉर्म. लास्ट वन है एट, ईटन, ये तीनों ही चेंज है, ये भी हमारी होगी इररेगुलर फॉर्म. अब रेगुलर और इरेगुलर के फॉर्म ऑफ वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ये जानते हैं कि रेगुलर की फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कैसे बनाते हैं. तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर थ्री की तरफ. ज्यादातर रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनाने के लिए हम सिर्फ ईडी का इजाफा करते हैं और उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बना देते हैं. जैसे कि इन तीन एग्जांपल्स को देखिए, आस्क, 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 हमने सिर्फ ई और डी का इजाफा किया. एग्जांपल नंबर टू में देखें, ओपन, 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 सिर्फ ईडी का इजाफा किया और सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना दी. इसी तरह टॉक, 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 हमने सिर्फ ईडी का इजाफा किया और सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना ली. लेकिन अगर किसी वर्ब की बेस फॉर्म में ई हो आखिर में, तो हम क्या करते हैं? हम क्या ईडी का इजाफा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. चलते हैं एग्जांपल की तरफ. होप, क्योंकि होप के आखिर में ई है, तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ डी लगा देते हैं. होप्ड, होप्ड. तो इस तरह की वर्ब्स में जिसकी बेस फॉर्म के आखिर में ई आता है, उनमें हम सिर्फ डी का इजाफा करते हैं. इसी तरह arrive, arrived, arrived, और close, closed, closed, क्योंकि उसकी भी बेस फॉर्म के आखिर में ई आता है. अब बात करते हैं रेगुलर फॉर्म्स की, उन वर्ब्स की जिनके आखिर में आता है वाई, लेकिन वाई से पहले लेटर आता है कोई भी कॉन्सोनेंट. याद रखिएगा, जिनके आखिर में वाई हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वाई को हटाकर आई ई डी का इजाफा कर देते हैं.
लेकिन शर्त ये है कि वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर हो, जैसे कि कैरी कैरीड कैरीड, ड्राई ड्राइड ड्राइड, क्राई क्राई क्राइड, इन सबसे पहले ही कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लेटर का यूज हुआ है, तभी हमने वाई को हटा कर आई ई लगा दिया है। अब चलते हैं उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं जिसके आखिर में वाई तो आता है लेकिन उनसे पहले वावल का वर्ड हो। अब जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि रेगुलर फॉर्म्स की वो वर्ब्स हैं जिसके आखिर में वाई तो है, लेकिन ध्यान से देखें कि इस वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वावल लेटर का यूज हुआ है। तो जहां भी वावल लेटर हो वाई से पहले तो आपको लगाना है ई और डी। नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम है कि वाई तो है लेकिन उससे पहले वावल लेटर ए है, उसके बाद हम लगाएंगे ई डी और ई डी। इसी तरह प्रे, प्रे के लिए भी हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, यानी कि प्रे प्रेड और प्रेड। तो ये थे रेगुलर फॉर्म बनाने के तमाम तरीके। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की और साथ ही बारी आती है इरेगुलर फॉर्म्स की। मैं बात करने जा रही हूँ इरेगुलर फॉर्म्स की। इरेगुलर के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि इरेगुलर की फॉर्म्स को बनाने का कोई भी रोल मौजूद नहीं है। इरेगुलर की तादाद बहुत ही कम है, रेगुलर 97% है, जबकि उसके बरक्स इरेगुलर सिर्फ 3% मौजूद है, यानी कि उनकी तादाद लगभग 125 तक होगी, 120 to 125 तक। तो आसान तरीका तो ये है कि आप इन 120 to 125 की लिस्ट को आराम से याद कर लें। इसको याद करने के बाद आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी के लिए इरेगुलर फॉर्म्स को तीन तरह की कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तो पहली कैटेगरी में वो वर्ड्स आते हैं जो कि सेम होते हैं, जस्ट लाइक कट कट और कट, यानी जिनकी तीनों ही फॉर्म सेम है, वो होती हैं इरेगुलर फॉर्म्स की। इनकी तादाद लगभग होती है 18 टू 20 वर्ड्स, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं वर्ड्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन उनकी बेस फॉर्म चेंज होती है, जिसकी तादाद लगभग है 45 टू 50 वर्ड्स। इसी तरह थर्ड कैटेगरी को देखें तो उनके तीनों ही फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज होती हैं, जैसे आप एग्जांपल अक्सर देखते हैं ईट एट और ईटन, इनकी तादाद है लगभग 60। अब क्योंकि बाकी तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, रेगुलर फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं, आपको जस्ट एक लुक डालनी होगी इरेगुलर फॉर्म की इस लिस्ट पर। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा ऑल पे सेट, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।